हेलो फ्रेंड, एग्रीकल्चर कैटलिस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि व्हाट स्ट्रेटजी शुड एडॉप्ट फॉर एमएससी एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी इन वन मंथ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि अगर आप ईएमयू प्लांट पैथोलॉजी की एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि जो नेमराज सुंडा सर की बुक है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और उसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका जनरल एग्रीकल्चर एकदम तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो एसआर कांटोवा पे अपन लोग सबसे बाद में आएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जो है आपकी नेमराज सुंडा सर की बुक। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेमराज सुंडा सर की बुक को फॉलो कर लीजिए दोस्तों। अगर मैं इसके साथ में बताऊं कि नेमराज सुंडा सर की बुक कैसे फॉलो करनी है तो आप मेरे चैनल पर जो प्रीवियस वीडियो उसमें देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया नेमराज सुंडा सर की बुक को कैसे फॉलो करना है। फिर इसके साथ में दोस्तों जो इसको बाद में आएंगे अपन लोग, आचार्य एनजी रंगा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है आपकी, उसके जो प्लांट पैथोलॉजी के जो नोट्स हैं वो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो उसके जो प्लांट पैथोलॉजी के नोट्स हैं उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसमें जो आपका इंट्रोडक्टरी प्लांट पैथोलॉजी है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक पूरा प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड। साथ ही में आपका जो नेमराज सुंडा सर की बुक है वो आपका जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट कर देगा, और जो मतलब एएमयू में प्लांट पैथोलॉजी पूछी जाती है उसका जो मतलब लेवल रहता है वो आपका आचार एनजी रंगा बेसिक प्लांट पैथोलॉजी पूछी जाती है, बहुत हार्ड प्लांट पैथोलॉजी नहीं पूछी जाती है। और अगर इसको आपने कंप्लीट कर लिया, चार एनजी रंगा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके नोट्स अगर प्लांट पैथोलॉजी के आपने कंप्लीटली रूप से तैयार कर लिए तो फिर आपको इंट्रोडक्टरी आपकी प्लांट पैथोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके साथ में दोस्तों आप अरुण कात्यायन सर के जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो फैक्ट है उसको फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि अरुण कात्यायन सर के इंपॉर्टेंट नोट्स ऑफ फैक्ट को कैसे पढ़ें, क्योंकि देखिए बुक बहुत लेंथी है और परीक्षा के समय पूरी बुक को रिवीजन नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, स्टूडेंट के डाउट रहते हैं कि अरुण कात्यायन सर की बुक को कैसे फॉलो करना, तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों इस पर आप इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉलो कर सकते हैं। नेमराज सुंडा सर की आपको जो बुक है वो पूरी कंप्लीट अच्छे तरीके से करनी है, और साथ में आपकी जो आचार्य एनजी रंगा जो स्पेशल नोट्स हैं सिर्फ ओनली प्लांट पैथोलॉजी के वो आप फॉलो कर सकते हैं, तो इससे आपका बेसिक हो जाएगा कंप्लीटली। फिर इसके बाद में दोस्तों आप जब आपकी ये दोनों तैयार हो जाएं, ये दोनों आपकी जब तैयार हो जाए तो आप एसआर कांटोवा सर की जो बुक है ऑब्जेक्टिव बुक, उसमें जो जनरल एग्रीकल्चर से लेकर एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर सॉयल साइंस प्लांट पैथोलॉजी इंटमोलॉजी और आपका एग्रीकल्चर स्टैटिक हो गया और एनिमल हस्बेंड्री हो गया एक्सटेंशन हो गया इकोनॉमिक्स हो गया, इनकी ऑब्जेक्टिव आप कम से कम ना करें तो कम से कम 20 बार जो इसकी ऑब्जेक्टिव है, सॉरी दोस्तों ये चल नहीं रहा है थोड़ा, तो ये जो आपके इसके ऑब्जेक्टिव है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए। फिर दोस्तों बात करते हैं ओल्ड पेपर ऑफ प्लांट साइंस पीजी एग्जाम्स एंड बीएचयू, मतलब जो आपके ओल्ड पेपर हैं चाहे वो प्लांट साइंस जीआरएफ के हो गए, चाहे आपके पीजी एंट्रेंस एग्जाम हो गए यूपी कैडेट के या मान चलिए और अदर पीजी एग्जाम्स होते हैं उनके हो गए, उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। बीएचयू का जो आपका एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको बेसिक जो उसका क्वेश्चन पैटर्न रहता है और मतलब जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग क्वेश्चन देखिए हर एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में एक से पूछे जाते हैं दोस्तों, सिर्फ उसको आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करनी है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ओल्ड जो पेपर है आपके चाहे वो प्लांट साइंस के हो गए पीजी एग्जाम्स हो गए बीएचयू के हो गए, फिर अगर दोस्तों आपका इतना हो गया तो लगभग मेरा अनुमान है कि कम से कम 95% आपकी सफलता सुनिश्चित हो गई है। अगर आपने इन पांचों चीजों को फॉलो कर लिया तो 95% सफलता से आपको कोई नहीं रोक सकता। लगभग आपका क्लियर है कि आप एएमयू में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्लांट पैथोलॉजी में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये पांच स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो कर लेंगे, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने भी इसको फॉलो किया है और मैंने भी वहां का एंट्रेंस निकाला है, तो मैं इसलिए दोस्तों आपको ये बता रहा हूं। और इसी के साथ में अगर दोस्तों अगर आपने ये पांच चीज कंप्लीट कर ली तो आपका एमएससी प्लांट पैथोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो साथ ही साथ दोस्तों अपने ग्रुप में शेयर करिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हम लोग जल्दी लाइव क्लास के साथ में आपके बीच में आ सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।